देखिए दोस्तों ये क्या है, ये है क्या, प्लास्टिक की बोतल रिसाइकल करें, मतलब इसमें आप बोतल रखिएगा प्लास्टिक का तो आपको पैसा मिलेगा। ऐसा बिहार में हम लोग कभी नहीं देखे थे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आके बनारस में हमको दिख गया है। अरे बहुत अच्छा है, हम लोग के पास तो बोतल नहीं है, नहीं तो रख के भी दिखला देते आपको कितना मिलता है कि नहीं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीतामढ़ी से बनारस आए हुए हैं यूपी में घूमने के लिए, तो हम सोचे कि कहीं कहीं पे जाके आप लोग को अच्छा अच्छा ब्लॉग दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पे जाए हैं और कहाँ कहाँ पे मतलब क्या क्या घूमे हैं, तो आपको दिखाते हैं। आज हम लोग बहुत ही मतलब बनारस का फेमस जगह सारनाथ में आए हुए हैं और आपको सारनाथ का जो क्या कहते हैं चिड़ियाघर वो दिखाने वाले हैं। इससे पिछले ब्लॉग में आपको दिखाए थे गौतम बुद्ध के बारे में, और दूसरा ब्लॉग जो है इसमें बताते हैं इसमें चिड़ियाघर इसी में है, तो हम लोग सोचे घूम कर ब्लॉगिंग कर लेते क्योंकि अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत ही अफसोस का बात है कि चिड़ियाघर आज बंद है, क्योंकि आज शुक्रवार है। बंद है क्योंकि आज शुक्रवार है, इसके कारण बंद हुआ। तो मन तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया है, बहुत ही ज्यादा मतलब टेंशन हो गया कि बंद हो गया, इतना घूमने आए हैं। लेकिन कोई नहीं, चलिए आपको इन चिड़ियाघर के अगल बगल का माहौल दिखाते हैं। और देखो वो देखिए वो क्या है, आप हम तो नाम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वो क्या है। लेकिन बहुत क्योंकि हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होइएगा, वो ऐसा फोटो देखे होइएगा वो क्या चीज क्या है, तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या चीज है। ठीक है तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए दोनों साइड कितना अच्छा सजावट वाला फूल सा लगा हुआ है, पार्क में देखने का नजरिया ही अलग है। चलिए चलते हैं। ये देखिए नारियल का पेड़ है, नारियल का है, नारियल की ताड़ है, दिखा देते हैं ऊपर। तो ये नारियल का पेड़ से देखो कितना अच्छा लग रहा है, जो कि स्टार्टिंग में चिड़ियाघर का एंट्री है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइन से है नारियल का पेड़, हम कितना अच्छा लगता है, इसी लेकर विदेश विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए। सही टिकट का दाम सब लिखा हुआ है, तो बताइए दाम के बाद मेरे पता नहीं, रेट भी 10 रुपया है, 12 वर्ष के बच्चों का 5 रुपया, मतलब हर तरीका का, मतलब जिस तरह से आदमी रहेगा उस तरह से। विदेशी का है 25 रुपया, विदेशी आने का 50 रुपया, जैसा है आदमी जैसा रूप है, मतलब जैसा जैसा आदमी उस तरह से पैसा दिया जाता है, बिना पैसे के घूम रहे क्योंकि हमारे सीतामढ़ी जिला में तो ऐसा है ही नहीं कहीं घूमने के लिए, तो आए यूपी में घूमने, जो कि बहुत ही मजा आ रहा है। लेकिन कितना अच्छा से खा कर रख दिया बच्चा, ये सजाते ये पानी देखिए इसमें मछली होगा, वाह इधर नहीं हो उधर मछली, पीला पीला मछली आपको दोस्तों इस वीडियो में नहीं दिखता होगा क्योंकि ऊपर से लाइट मार रहा है, उस साइड चलेंगे दिखाइएगा और अंदर से दिखता है। इधर देखिए इधर भी केला का पेड़ कितना अच्छा है, ये केला का पेड़ है ना? हाँ केला है। और देखिए हम लोग आए हैं तो कितना अच्छा लगता है, अच्छा दिखाइए तो हम दोनों का चलो। और इधर भी सारा नारियल का पेड़ था, वो आप ही को पता होगा, कमेंट में बताइएगा कब था, लेकिन क्यों बना हुआ है ऐसा बोलो। और दोस्तों ये देखिए ये जो है पानी टंकी, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना जब आया था तभी का ये बना हुआ है। कब बना हुआ डेट याद नहीं है दोस्तों, आप लोग पढ़े हुए तो कमेंट में बताइएगा कब का बना हुआ, जो कि यहीं से स्टार्टिंग हुआ है तो पूरे अपना इंतजार। और ये देखिए इसमें चढ़ने वाला भी है, ऊपर जाने वाला, लेकिन हम लोग इस साइड आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए चिड़ियाघर के पानी में कितना अच्छा मछली है, किला है, किला पे ये ऐसा मछली हम कभी नहीं देखे हुए थे अभी तक, गुलाबी कितना था, नहीं गुलाबी थोड़ा थोड़ा पता चलता होगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है वहाँ से है, बहुत अच्छा लग रहा है। और काला मछली है और क्या कहते हैं वो भी है, जूम करके दिखाइए ना, अभी बाहर नहीं आ रहा, दिख रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मछली, ऐसा मछली हम नहीं देखे, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और देखिए दोस्तों ये क्या है, ये है क्या कहते हैं प्लास्टिक की बोतल रिसाइकल करें, मतलब इसमें आप बोतल रखिएगा प्लास्टिक का तो आपको पैसा मिलेगा। ऐसा बिहार में हम लोग कभी नहीं देखे थे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आके बनारस में हमको दिख गया है। अरे बहुत अच्छा है,
हम लोग के पास तो बोतल नहीं है, नहीं तो रख के भी दिखना देते आपको कितना मिलता है कि नहीं। तो देखिए तो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा नाला बना हुआ है जो कि मतलब मछली इसमें है और पानी भी बहुत ठंडा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ से वहाँ तक बना हुआ है, इस तरह से नाला साफ सुथरा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है मछली के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मन तो कर रहा है हम लोग यहीं पे नहा लेते, क्या कहे इतना ज्यादा गर्मी है जो मन कर रहा है यहाँ पे नहा ले। और यहाँ पे चाची लोग या क्या बच्चे जो की घूमने के लिए आता है उसको भूख लग जाता है तो अपना ये अपना जाओ जा अपना खाते हैं, क्योंकि हम लोग भी बाद में खाएंगे क्योंकि अभी तो खाना खा के जस्ट पहले की। और इधर भी है चलने वाला तो फास्ट कर देगा अपने। और इधर चिड़िया घर है अंदर दोस्तों, यहाँ चिड़ियाघर बंद पड़ा हुआ है जो कि उधर से जाने का एंट्री था लेकिन बंद है तो नहीं जा पाए हम लोग। साइड से अपना दिखा देते हैं, देखिए किस तरह से है, इसी में जानवर लोग रहता है, हर तरह से जानवर रहता है। देखिए डिजाइन लेकिन बहुत अच्छा लगता है यहाँ का बसवाड़ी का, बसवाड़ी का देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इधर हर जगह पे डिजाइन ही मिलेगा, डिजाइन ही डिजाइन मिलेगा, क्योंकि हिरन है वहाँ पे है। उतना साफ नहीं दिखेगा क्योंकि मोबाइल का क्वालिटी नहीं है, सस्ता मोबाइल ही है। ये थोड़ा थोड़ा आपको दिखता होगा दोस्तों क्योंकि हम लोग जाके वहाँ पे दिखाते तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए दोस्तों इनको प्यास लग गया चलते चलते तो ये पानी पी रहे हैं, यहाँ पे भूजा बना रहे मोबाइल के, एक गिलास हमको छोड़ दीजिए। मानसी को भी प्यास लग गया, कितना छोटा गिलास है। देखिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा धूप है इसलिए हम लोग उधर कट जा रहे हैं और हम इधर गमछा भी रखे हैं। ये देखिए भैया और ये दोनों आदमी गमछा ओढ़े हुए हैं, हम दुपट्टा ओढ़े हैं। एक बात बता, यहाँ दोपहर के से लग रहा है हमको 11-11 बज गया होगा, 11-12, और दोपहर बहुत धूप तगड़ा एकदम लग रहा है इसलिए दूसरे साइड जा रहे हैं। इधर का पेड़ देखा कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए कितना अच्छा पेड़ है इधर का। ये देखिए दोस्तों पेड़ कितना मस्त लग रहा है यहाँ का, ये देखिए। दोस्तों अब हम लोग चलते चलते ना बहुत ज्यादा थक चुके क्योंकि धूप ही इतना ज्यादा है कि बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। तो हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर आप लोग से अगला ब्लॉग में मिलेंगे और भी अच्छा अच्छा चीज दिखाएंगे क्योंकि हम लोग तो आप ही के लिए आए हुए किए दिखाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।